डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बीती रात बदमाशों ने खुलकर बदमाशी की। अवैध रूप से मेरठ जिला पंचायत के संरक्षण में खोले गए जैन चिकन जी आउटलेट के मालिक से बदमाशों ने नकदी व ज्वेलरी समेत करीब 5 लाख रुपए का माल लूट लिया। इससे पहले बदमाशों ने अन्य राहगीरों को भी अपना निशाना बनाया था। लूट का केंद्र टीपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली देहरादून हाईवे रहा। आउटलेट के मालिक जगदीश सिंह हैं। पूठा गांव के निवासी जगदीश का हाईवे पर सुभारती के पास जैन चिकन जी का आउटलेट है। घटना के बाद जगदीश सिंह ने यह जानकारी दी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है जी। और मेरा ये जैन रेस्टोरेंट है अपना, जैन चिकन जी बाईपास पर। मैं यहाँ से ऐसी बाईपास पर रोड के किनारे ही घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, जहाँ बराबर में अपना ट्वेल लगा हुआ है उसकी तरफ जा रहा था, तभी पीछे से दो बदमाश पल्सर बाइक पर आए, जिस बाइक का नंबर DL3S6270 था। मैं नोकिया सभी पीछे से आए, उन्होंने पिस्टल निकाला और एक ने लोड किया, मेरे पे तान दिया सीधा। तानने के बाद मैं डर गया। उन्होंने पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी, मैंने उनका मुकाबला करने का भी कोशिश करी, पर जब उनके पास पिस्टल दिखा कर उन्होंने लगा दिया तो मैंने अपने को सेफ कर लिया। उन्होंने मेरे हाथ से 2 सोने की अंगूठी, 1 तीसरी अंगूठी डायमंड की, जिनका लगभग वजन 4 तोले था, और गले में एक लगभग 2.5 तोले की चैन थी वो निकाल ली, और मेरा पर्स जिसमें लगभग 10,000 रुपये थे लेके फरार हो गए, और जान से मारने की धमकी देके बाईपास की तरफ भाग गए। तो आपने पुलिस को सूचना दी इस बात? तुरंत पुलिस को, मैंने 2 मिनट बाद ही पुलिस को फोन करी। सबसे पहले सूचना पुलिस को दी, फिर अपने साथियों को दी, जब तक हमें तो हमारी फोन से दूर हो गए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको पुलिस ने? पुलिस ये कह रही है कि जांच कर रहे हैं, अभी जो भी होने के बाद में देखते हैं किधर को, कुछ कैमरे तलाश कर रहे हैं, जैसे भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।